जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा और वंशी टीवी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ, जो खुद बालाजी स्वयं चला रहे हैं। एक जो हम हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा कराते हैं, लाइव हनुमान चालीसा। एक बहन है, उनको लाइव हनुमान चालीसा का अनुभव हुआ। उस अनुभव के बारे में बता रहा हूँ, क्या ऐसा अनुभव भी हो सकता है, अनुभव के बाद क्या क्या हुआ, और एक प्रॉब्लम भी उन्होंने बताई, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसमें बताऊंगा मैं। वीडियो को ध्यान से देखें ताकि अनुभव सुन सकें, प्रॉब्लम सुन सकें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुन सकें, आपको भी उससे रिलेटेड समस्या होगी तो वो प्रॉब्लम आपको भी सॉल्व होगी। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। इन बहन का नाम नहीं बताते हैं, इन्होंने बताया कि भैया हनुमान चालीसा जो लाइव सैटरडे और संडे शाम 7 बजे आप करते हैं, हम खैर क्या करते हैं, हनुमान जी कराते हैं, वो मैंने अटेंड की हीलिंग वाली, और मैंने ये देखा कि उसी रात को हनुमान चालीसा हो रही है और हनुमान चालीसा होते होते मैं हनुमान जी की आंखों में देख रही हूँ, और देखते 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 मैं उस मंदिर में ही पहुंच गई हूँ जहाँ पे हनुमान चालीसा हो रही है। हनुमान जी सामने विराजित हैं, प्रसाद रखा हुआ है, हनुमान चालीसा हो रही है, आप हनुमान चालीसा गा रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, बड़े हनुमान जी हैं और बहुत सारी औरतें और आदमी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच के मैंने ये देखा भैया कि आप बैठे हैं, तख्त पे लेटे हैं, मैं उनके आपके पास बैठ गई हूँ, आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। आपने दो एक महिला ने दो लड्डू दिए खाने के लिए, तो वो लड्डू खा रही हूँ, लड्डू का प्रसाद है, वो लड्डू का प्रसाद खा रही हूँ, और खाते खाते मुँह से खाते खाते वो गिर भी रहा है, निकल भी रहा है, खा भी रही हूँ, निकल भी रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, कुछ भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। अब बस आपको देखे जा रही हूँ हाथ जोड़ के, और आप मेरी तरफ आशीर्वाद मुद्रा में देखे जा रहे हैं। चलो जी, हम तो खैर इस लायक नहीं है। तो ये होते हुए देखा इन्होंने, और फिर इन्होंने ये बताया भैया लड्डू खाते 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 बहुत सी चीज़ें मैंने महसूस की, और हनुमान चालीसा भी चल रही चारों तरफ, और भैया प्रसाद खाने के बाद मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि मेरे कुछ समस्याएं हैं, और आपने कहा कि जो माइंड में मलिनता है, शरीर में मलिनता है, इसे हटा दो। मतलब किसी तरह के कोई नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं ये, वो मलिनता हटा दीजिए। और इनका एक प्रश्न जो इन्होंने मेरे से पूछा है, वो ये पूछा है कि भैया शादी से रिलेटेड समस्या आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं। पहली बात, जो लड्डू दो दिए हैं वो मेहंदीपुर बालाजी में दो लड्डू मिलते थे, आपको पता हो तो, मेहंदीपुर बालाजी के दो लड्डू मिलते थे प्रसाद के, बहुत पहले अगर कोई जुड़ा हुआ हो तो उसको पता होगा। वो दो लड्डू खाने के लिए दिए हैं, उस लड्डू से सारे संकट निकल जाते थे, शरीर के रोग निकल जाते थे, पता है आपको। वो इन्होंने खाए हैं, जो अमृत तुल्य प्रसाद होता था उस पर लिखा होता था साफ लड्डू पे, दिस इज अमृत तुल्य प्रसाद, मतलब ये अमृत तुल्य प्रसाद है, किसी किसी को मिलता था प्रसाद खाने के लिए, इनको लड्डू मिले हैं खाने के लिए, बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो इनके शरीर के अंदर से कुछ मलिनता दूर होगी लड्डू खाने के बाद, और मैं इनको प्रेफर करता हूँ शत्रु मर्दन पाठ 21 रोज करती जाएं करती जाएं करती जाएं, क्योंकि कुछ शत्रुओं से भी कह रही हैं कि मैं परेशान हूँ। आंख मीच के बहन शत्रु मर्दन पाठ करती जाएं, भगवान हनुमान जी महाराज से विनती करता हूँ, बालाजी महाराज कृपा करें, मेहंदीपुर मर्जी स्वीकार करें इनकी। इनका नाम शत्रुओं से निजात मिले और शादी हो, जो नेगेटिविटी और तंत्र बाधा टाइप की कुछ चीज महसूस होती है वो हट जाए, ये मैंने अर्जी लगाई। शत्रु मर्दन पाठ आपको करना होगा, इसी में मैंने आपके लिए अर्जी भी लगा दी है बहन। आपका नाम नहीं बताया, रिवील नहीं किया इसमें, मैंने मन में ले लिया नाम, और आपका अनुभव भी सबको बताया, ये अनुभव सबको अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है ऐसा। और अनुभव के साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि इस तरह के अनुभव लाइव हीलिंग हनुमान चालीसा अटेंड करने पे आपको भी हुए क्या, क्योंकि जो 2, 3, 4, 5 अटेंड करेगा वो 100% अनुभव होगा, क्योंकि 100% हीलिंग होगी, और इनकी हीलिंग हुई है लाइव हनुमान चालीसा से, हीलिंग हुई है जो लड्डू दिए हैं खिला के मेरे रूप में किसी ने आकर के, हनुमान जी महाराज ने आकर के, और दो लड्डू दिए बालाजी वाले मेहंदीपुर वाले, वो लड्डू खा करके इनके शरीर के अंदर से समस्या निकली, ये 100% बात है। ये अनुभव आपको कैसा लगा मैं जरूर बताएं। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय।